छोटाउदेपुर बोडेली खाते गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिले जाहिर सभा ने संबोधित करी हती। लोकसभा की चूंटणी नजीक आवता कांग्रेस आदिवासी विस्तार में आवेल लोकसभा बैठक को जीतवा माटे कमर कसी रही है। शक्ति सिंह गोहिले आदिवासी विस्तार में थता अत्याचार विषय भाजप पर आकरा प्रहार कर्या हता। तो आदिवासी विस्तार में भाजपे आदिवासियों साथे अनदेखी करी होवानो शक्ति सिंह गोहिले दावो कर्यो छे। शक्ति सिंह गोहिले छोटाउदेपुर लोकसभाना कांग्रेसना प्रभारी छे। तो आवनार लोकसभा चूंटणी में कांग्रेस छोटाउदेपुर बैठक जीतशे तेवुं पण तेओए जणाव्युं हतुं। छोटाउदेपुर 21 लोकसभा मत विस्तार की मीटिंग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह बापू अध्यक्ष योजाई है। खास कर आ मीटिंग में मुद्दों से आगामी 2024 लोकसभा की चूंटी में छोटाउदेपुर ट्राइबल विस्तार ने लगभग 5 सीटों लोकसभा में कांग्रेस पक्ष जीते एना हासिल करने लोकजागृति जनजागृति लोग ने जे लोग आने थोड़ा निष्क्रिय से खास खोलने काम अने जे लोग बीजी पार्टी में गये था जी रीते आप पार्टी है भाजप पार्टी है तो के लोग ने आज कांग्रेस ने अंदर सम्मान की जोड़वामां आव्यो छे। मने लगे कि कांग्रेस पार्टी आगामी दिवसों की अंदर खूब मोटी जीत थी कांग्रेस पक्ष का जे उम्मीदवार मंडल पर आए एने जीतवा बात करी थी એની સાથે સાથે હાલમાં જ માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી બોડેલી મુકામે અહીંયા પહોંચી ગયા। બોડેલી મુકામે જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે અહીંના લોકોની પણ એક ચિંતા હતી કે વડાપ્રધાન શ્રી આ વિસ્તારના આદિવાસી વિસ્તારના પ્રશ્નોને ફોકસ કરશે, પરંતુ 5,000 કરોડની જાહેરાત થી લોકાર્પણ કર્યા પરંતુ આ વિસ્તારના પ્રશ્નોને કોઈ વાતા આપી નથી। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી ખાતે આવવાનું થયું છે। હું સૌથી પહેલા छोटाउदेपुर जिल्लाना तमाम नागरिकों अमारा नेताओं ने कार्यकर्ताओं हृदयपूर्वक आभार मानू। खूब प्रेम भाव अने लागणी साथे अहीं अमने आवकार आप्यो छे। खूब विशाल संख्या में कार्यकर्ताओं आगेवानो अने छोटाउदेपुरना नागरिकोए उपस्थिति राखी छे ए माटे સૌનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું। સમગ્ર ગુજરાતમાં જે પ્રેમ ભાવ અને લાગણી મળી રહી છે એ માટે કોંગ્રેસ પક્ષ વતી તમામ ગુજરાતીઓનો આભાર માનું। સત્તા પડાવી લેવા માટેનો આ કોઈ સંઘર્ષ નથી, પરંતુ એક સેવાની સાધના માટેનો આ યજ્ઞ છે। આપણા ગુજરાતમાં જેની પાસે ખૂબ છે અને જેની પાસે કંઈક ઓછું છે